हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम दो क्रिकेट स्टेडियम को कंपेयर करेंगे, राजगीर क्रिकेट स्टेडियम बिहार इंडिया और शेख हसीना क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम बिहार। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम बिहार का दूसरा नाम है नालंदा क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, क्रिकेट स्टेडियम बिहार राजगीर सिटी में बन रहा है। दोस्तों, इसकी स्थापना 2018 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा था। दोस्तों, राजगीर क्रिकेट स्टेडियम सिडनी क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर बनने वाला है। और दोस्तों, इस स्टेडियम की टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 800 करोड़ इंडियन रुपीस है। दोस्तों, ये स्टेडियम 90 एकड़ में बनाया जा रहा है। दोस्तों, इसमें टोटल स्पेक्टेटर कैपेसिटी 40 से 50 हज़ार होंगी। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे शेख हसीना क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश। दोस्तों, शेख हसीना क्रिकेट स्टेडियम का दूसरा नाम है द बोट क्रिकेट स्टेडियम। शेख हसीना क्रिकेट स्टेडियम ढाका के प्रवाचल एरिया में बन रहा है। दोस्तों, शेख हसीना क्रिकेट स्टेडियम के ऑनर है नेशनल स्पोर्ट काउंसिल बांग्लादेश और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। दोस्तों, ये स्टेडियम को ऑपरेट करेगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। दोस्तों, शेख हसीना क्रिकेट स्टेडियम की टोटल स्पेक्टेटर कैपेसिटी 50 हज़ार होंगी, जिसको बाद में 70 हज़ार भी किया जा सकता है। दोस्तों, शेख हसीना क्रिकेट स्टेडियम की टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1100 करोड़ टका है। दोस्तों, इसको ओपन किया जाएगा 2023 में। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।